का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लगातार दो दिन से बारिश हो रही है। उड़ीसा में भी बारिश हो रही है, जिसके कारण बैंगिल डैम को खोल दिया गया है, जिसके चलते हमारा जो खरखराई नदी है वह उफान पर है। और इस क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है, जो हमारा नाला से प्रतिवर्ष बारिश का जो प्रकोप रहता है उसकी संभावना थोड़ा बढ़ गई है। लेकिन अभी हम लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं, और बस्ती के लोगों को भी हम लोगों ने घूम घूम कर अलर्ट कर दिया है। और एक हमारा स्लुइस गेट है, उसका दो गेट खराब हो गया था, उसको भी हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से कहकर उसका भी रिपेयरिंग कराया है। और दो मोटर भी हम लोगों ने 48 लाख रुपये में लगवाया है, उस मोटर को भी हम लोग चालू करेंगे। यदि पानी हमारा नाला में बढ़ता है और बस्ती यदि प्रभावित होती है, तो उस मोटर के माध्यम से भी हम लोग पानी फेंकने का काम करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र को हम लोग बाढ़ से बचा पाएँ। उसके बाद भी हम लोग हर तरह से अलर्ट हैं, अपने बस्ती वासियों को भी अलर्ट करके रखें। बाढ़ प्रभावित के लिए हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल नया बस्ती, सरस्वती शिशु मंदिर और लोहिया भवन को हम लोगों ने बाढ़ राहत शिविर के रूप में चिन्हित करके रखा है।